बरमाना सीमेंट फैक्ट्री प्लांट में बीते 14 दिसंबर की शाम को तालाबंदी लगने से इससे जुड़ी रोजगार की सभी गतिविधियां बंद होने की कगार पर है। सीमेंट फैक्ट्री के प्लांट से माल ढुलाई करने वाले ट्रक सड़कों पर खड़े हैं और इन ट्रकों से जुड़े स्पेयर पार्ट्स व्यवसायी भी कर्ज के पहाड़ में दबते नजर आ रहे हैं। बरमाना स्थित मोटर्स मार्केट में ट्रक बॉडी मेकर और गैस व इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का काम करने वाले गुलशन लाड़ी ने बताया कि मैं पंजाब से हूं और पिछले कई वर्षों से यहां पर कार्य कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि पहले कोरोना की मार झेलनी पड़ी और अब अडानी समूह के सीमेंट प्लांट को अनिश्चित काल के लिए बंद करने के फरमान से चिंताएं बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास 4 कामगार काम कर रहे हैं जिनकी सैलरी प्रति माह के अलावा बैंक के लोन की किस्त भी देनी पड़ती है। ऐसे में अब व्यवसाय करना आफत बन गया है। मैं अंबथों आया काम करने ही इतने 4 बंदे रखे हैं, अभी 26 दिन हो गया फैक्ट्री बंद नू, काम कर है नहीं मेरे को, बंदे ने बहुत खेच लाया, काम कर है नहीं, मैं बंदे रोटी दम ताजे हो गया बहुत ज़्यादा। दिन है मैं टायर पंचर का काम करता हूँ, तकरीबन 20 साल से यहीं बरमाना में रहता हूँ और इसी फैक्ट्री के हालात आज ऐसे बदतर हो गए हैं कि काम करना भी मुश्किल हो गया। हर नागरिक हर ट्रांसपोर्ट जो वो फैक्ट्री से जुड़ा हुआ था, तो फैक्ट्री को बंद होने के कारण बहुत से लोगों को इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्या ट्रांसपोर्ट लाइन है, क्या स्पेयर पार्ट वाले हैं, होटल वाले हैं या मैकेनिकल लाइन से जितने भी लोग इससे जुड़े हुए थे, वो सबको परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। तो हमारा तो यही अनुरोध है, क्या सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इसका जल्द से जल्द हल किया जाए और बैठ करके इसका जो भी समाधान हो इसको लागू किया जाए। बिना इन्फॉर्मेशन से, बिना नोटिफिकेशन से ये फैक्ट्री में ताले लगे हैं। पहले भी स्ट्राइकें होती थी, लेकिन उसमें कभी स्ट्राइक होती थी, कभी बातचीत होती तो 2-4 दिन में 10 दिन में ये हल हो जाता था, लेकिन अब एकदम जो ताले लगे तो इसका जल्द से जल्द हल करना चाहिए। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद अनवर अंसारी है। ये इन फैक्ट्री फैक्ट्री जो है बरमाना का, ये आज का 26वां दिन है बंद होने के लिए और कामकार कोई भी नहीं है, हम लोग बैठे हुए हैं और खर्चे पाने के लिए कोई सुविधा है नहीं है। किस चीज़ का काम करते हो आप? हम जी खराद का काम करते हैं और बस क्या बताएं, हम से इनसे विनती करते हैं कि जल्द से जल्द खुलाया जाए और रोटी पानी के इंतजाम हो जाए। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।